राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत द्वारा रविवार को विश्व संवाद केंद्र में प्रेस वार्ता करते हुए प्रांत संयोजक डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 13 अप्रैल से भूमि सुपोषण एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी जन अभियान की शुरुआत गोरखपुर जनपद में किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि चिंतन, भूमि सुपोषण एवं संरक्षण, इन संकल्पनाओं को कृषि क्षेत्र में पुनः स्थापित करना है। जन अभियान में भूमि सुपोषण, जन जागरण एवं भारतीय कृषि चिंतन एवं भूमि सुपोषण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर प्रांत संयोजक डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रांत सह संयोजक रविशंकर, सह संयोजक ललन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांत संयोजक डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जो 13 अप्रैल भूमि अवतरण दिवस से शुरू होकर गुरु पूर्णिमा जुलाई माह में 24 तारीख तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के सुपोषण, उसके संरक्षण हेतु अपने दायित्व एक जन जागरण अभियान के रूप में यह कार्यक्रम आज 13 तारीख को दिन मंगलवार को शुरू हो गया, पूरे राष्ट्र में शुरू होगा और ये गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर डाल के या अधिक से अत्यधिक उत्पादन करके उसके साथ साथ उसकी भूमि की संरचना को भी हमको संरक्षित करना है, उस भूमि को की उर्वरा शक्ति हमेशा के लिए बनी रहे इस पर भी हमको ध्यान देना है और दोहन एक दायरे में करना है, दोहन ऐसा करना है कि जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे और हमको वो उत्पाद भी मिलता रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जितने भी लोग रहते हैं इस पृथ्वी पे, इस विश्व में, पिछले 4 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर काम कर रहा था और बहुत पूरे देश में लोगों से वार्ता हुई कि कैसे किया जाए। इसके बाद ये फरवरी माह में ये तय हुआ कि एक हम कार्यक्रम शुरू करेंगे पूरे राष्ट्र में, जिससे लोगों को जागृति आए, लोग इसके बारे में समझें, इसलिए ये कार्यक्रम 13 तारीख को भूमि अवतरण दिवस के दिन शुरू होगा, जो एक प्रतिपदा है और नया वर्ष शुरू होगा, हिंदू नववर्ष शुरू होगा और ये गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। ये पूरे राष्ट्र में गोरखपुर में हर प्रांत में एक टोली बनाई गई है प्रांतीय स्तर पे। इस प्रांत में संघ के दृष्टिकोण से 21 जिले हैं और सरकारी 11 इकाइयाँ हैं जिसमें लगभग 20,000 ग्राम हैं। मेरे साथ में मैं संयोजक हूँ, मेरे साथ में श्री रविशंकर जी सह संयोजक हैं और श्री ललन जी सह संयोजक हैं। हमारे दाहिनी तरफ श्री मनमोहन जाजोदिया जी उस कार्यकारिणी की जो प्रांतीय स्तर पर बनी है 21 सदस्यीय उसके सदस्य हैं। हम सब मिलके इस पूरे प्रांत में लगभग 20,000 ग्रामों में एक साथ 13 तारीख को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे भूमि संरक्षण को लेके। कैसे कार्यक्रम करना है, क्या है, उसकी एक रूपरेखा हमारे पास है। हमको मिट्टी को भी पूजना है, हम कलश रखेंगे, उसके बाद उसमें कलश की पूजा करेंगे, लोग अपने खेत से मिट्टी लाएंगे, उस मिट्टी को हम एक जगह रखेंगे, संरक्षित करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण में हम ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रसाद ऐसे चीज़ का बना हो जिसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना हुआ हो, जो भी हो सकता है, जैसे देसी गाय का दूध हो सकता है, उसका कुछ बना हुआ हो सकता है, खीर हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ पेड़ या कुछ खोए का बना के जो देसी गाय का, इस तरह करेंगे। कुल संकल्पना ये है या कुछ एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि लोग इस बात पे भी ध्यान दें कि हम जो पैदा कर रहे हैं वो कितनी कीमत दे के पैदा कर रहे हैं, हम अपने जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए हम क्या दे के जाएँगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम बंजर भूमि दे के चले जाएँ। इसका एक मूल उद्देश्य ये है कि हम जब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। ये ज़मीन, ये पृथ्वी सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ना समझा जाए, भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इसके लिए अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है, माता भूमि
पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि हमारी माता और हम उसके पुत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि हमको अपनी माँ की सेवा करनी है, उससे उतना ही लेना है जितनी जरूरत है।